हेलो एवरीवन, मैं जिन्योड़ आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। जो बच्चे जेई 2025 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं उन बच्चों के लिए ये जो क्वेश्चन है वो जेई मेन 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है। और दोस्तों, इस टाइप के आपको और भी क्वेश्चन जेई मेन में पूछे गए हैं और मिलेंगे, इसीलिए आपको इस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझना है और पूरे कॉन्सेप्ट पर ध्यान देना है। तो किस तरीके से हम सोल्व करेंगे और आपको क्या क्या गिवन है देखिएगा। सबसे पहली चीज, द सम ऑफ ऑल रेशनल टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ इज इक्वल टू, और आपके पास चार ऑप्शन ये है। तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, आपको ये कोई बाइनोमियल दे रखी है, इसके अंदर आपको क्या बोला कि सम ऑफ ऑल रेशनल टर्म्स, कहने का मतलब इस बाइनोमियल की जो रेशनल टर्म्स आएगी उनका सम आपको बताना है। तो बच्चा तो घबरा जाएगा, घबराना नहीं है बच्ची। कई बार मैंने पहले भी क्वेश्चन में बताया कि रेशनल की जगह इंटीग्रल भी दिया होता है, इंटीग्रल टर्म्स। तो एक ही बात है बच्चे, अब कॉन्सेप्ट क्या लगाना है देखिएगा। सबसे पहला रास्ता आपको जो सेलेक्ट करना है वो करना है जनरल टर्म का। किसका भैया? जनरल टर्म। तो जनरल टर्म टी आर प्लस वन, मेरे पास सबसे पहले इस बाइनोमियल की जनरल टर्म क्या मिलेगी ये देखिएगा। तो मेरे पास एन की वैल्यू जो है वो 15 है, तो 15 सी आर 2 की पावर 1/5 तो ऑलरेडी है। इस बात पे ध्यान देना कि 2 की पावर 1/5 तो दे रखा है, होल पावर है 15 माइनस आर करके लिखते हैं, 15 माइनस आर, और 5 की पावर 1/3 आपको दे रखा है। की पावर में देखो, 5 की पावर 1/3 तो दे रखा है, पावर में हमेशा ये आर लगाया जाता है इसके, तो ये आर हो जाएगा। अब आपको क्या करना है इस केस में, सबसे पहले इसको मैं अच्छे से सोल्व कर लेता हूं। तो मेरे पास सोल्व करने के बाद ये मिलेगा 15 सी आर 2 की पावर में 15 माइनस आर डिवाइड बाई 5 इंटू में 5 की पावर में आर डिवाइड बाई 3 हो जाएगा। ब्रैकेट है तो पावर क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई। अब देखो, आपको हमेशा नंबर ऑफ इंटीग्रल टर्म या रेशनल टर्म का केस आ जाए तो आर की वैल्यू ले आओ। कैसे लेके आनी देखो, तुम क्या करेंगे इस केस में, 15 माइनस आर डिवाइड बाई 5 को उठा लो। इसको उठा लिया हमने पहले केस को, इसके अंदर आर पड़ा था, तो आर की ऐसी वैल्यू रखो, आर की ऐसी वैल्यू पुट करनी है ताकि 5 से एग्जैक्ट डिवाइड होना चाहिए। तो पहली वैल्यू आप बोलोगे 0 चलेगी, चलेगी भैया। उसके बाद देखो 5 का डिफरेंस चलेगा 10 15, मैं सिर्फ 15 तक ही जा सकता हूँ क्योंकि n जब 15 है तो मैं मैक्सिमम यहाँ तक रोकना पड़ेगा। चलो ठीक है भैया, ये जो r की वैल्यू यहाँ पुट करोगे तो सारा चलेगा और डिवाइड होगा 5 से, ठीक। दूसरा केस r डिवाइड बाई 3 है, तो इसके अंदर r की ऐसी वैल्यू लेके आओ जो 3 से डिवाइड हो। तो आप बोलोगे भैया 0, फिर 3 3 का डिफरेंस चलेगा 3 6 2 12 और 15। चलो भी ठीक है। अब आपको ये बता दे, तो इसमें तो कोई लंबी चौड़ी कैलकुलेशन पे नहीं जाता, बनेगी हमेशा एपी, ये भी एपी में है और ये भी एपी में आएगा। आपको क्या करना है, कॉमन टर्म ले आओ। तो इसके अंदर कॉमन टर्म तो आपके लिए बिल्कुल आसान रास्ता है, कॉमन टर्म्स इसके लिए भैया आर के लिए। तो आर की कॉमन टर्म कौन सी है दोनों एपी में, तो आप बोलोगे सबसे पहले 0 है, 0 पड़ा है, उसके बाद सिर्फ 15 है, बाकी और कुछ भी नहीं है। चलो भैया 0 ले लिया मैंने, 15 ले लिया, तो आपके पास सिर्फ ये दो वैल्यू ही आर की पॉसिबल होगी नंबर ऑफ रेशनल टर्म में। अब आपको क्या करना है, ये आर की वैल्यू मैं इसमें अप्लाई कर दूंगा। तो मेरे को निकालना था सम ऑफ ऑल रेशनल टर्म्स, तो आपके पास आंसर आ जाएगा अब तो, ठीक है भैया। आर की वैल्यू सबसे पहले 15 यूज करो, सॉरी 0 यूज करूँ आर की वैल्यू, तो 15 सी 0
देखो अप्लाई यहां पे करना है, तो देखो यहां 15 माइनस 0 जाएगा, तो 15 डिवाइड बाई 5 होगा, तो सीधा सीधा बोलोगे भैया 3 क्यों नहीं लिख देते, तो 2 की पावर में सिर्फ 3 बचेगा, इनटू में 2 की पावर में सिर्फ r की वैल्यू 0 रखते ही 3 बचेगा, यहां पर भी 0 जाएगा, तो 0.3 ये भी भैया 0 देगा पावर में, तो 5 की पावर है 0, कितना बन गया 5 की पावर है 0, प्लस में r की वैल्यू 15 का यूज करूं अब, तो 15 सी 15 2 की पावर में, देखो अब की बार जब मैंने 15 का यूज करा तो 15 माइनस 15 0 अपॉन 5 पे, तो 0 बन जाएगा, इनटू में 5 की पावर में आ चुका है भाई आंसर 15 डिवाइड बाई 3, तो आप बोलोगे 5। अब सोल्व कर दो, अब सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, सोल्व करना है भैया। सोल्व करते ही पहले में 15 सी 0 1 2 की पावर 3 बचा सिर्फ 8 प्लस, क्योंकि 5 की पावर 0 भी 1 देगा। अब अगले में देखो 15 सी 15 1 होता है, 2 की पावर 0 1, 5 की पावर है 5, 3 1 2 5 होता है, 5 की पावर 5 कितना होता है 3125, मेरे पास आ जाएगा भैया ऐड किया तो 3133, और ये क्या होगा आंसर 3133। अब देखिएगा क्या आपके पास ऑप्शन में है, तो आप बोलोगे भैया ए है और आंसर हो जाएगा, बात आ गई समझ। तो हर बार आपको यही तरीका अपनाना है, इसी तरीके से इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करना है, और मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक माना जाता है ये, क्योंकि ज्यादा लंबी चौड़ी इस टाइप के अंदर कोई थ्योरी होती नहीं है, फॉर्मूले होते ही नहीं है ज्यादा लंबे चौड़े, भी कोई ज्यादा कॉन्सेप्ट याद करने पड़ेंगे किसी प्रकार से, सिर्फ जनरल टर्म आर का पता होना चाहिए कि आर आपको क्या क्या चाहिए और आंसर मिलेगा हर बार। तो मेरे ख्याल से आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया है, फिर भी अगर किसी प्रकार का मैथमेटिक्स में डाउट है तो कमेंट करके जरूर बताना, घबराना नहीं है किसी प्रकार से, मन में डर नहीं रखना, कॉन्सेप्ट को सीखो जय को फोड़ के आओ, सबसे बढ़िया रास्ता यही होता है। तो इतना आज के लिए, हम जो भी कर रहे हैं वो अपने ही काम आएगा, अगर पढ़ाई करें वो अपने ही काम आना है बच्चे, इसलिए डेली रूटीन के अंदर पढ़ाई कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इतने तक पढ़ते रहे और मजे करते रहें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।